हौज शरीफ और अलीपुर हयाती और जीवे जीवे होने काम कह नहीं ये हुन मुजफ्फरगढ़ के इलाके में वैनो तो बंदा दे ठर रहा यकीन करो कि को मैं अब ये हयाती और जीवे पीछे रह बस अब कहते हैं ठर रहा बंदा है ना तो बस बहुत ज्यादा ही ठर रहा है। दोस्तों बहुत मोहब्बत मिलती है यहाँ जब भी आता हूँ तो दो शेर मैं अपने पसंद के सुना रहा हूँ उसके बाद अगर आप मेरे साथ चले तो मैं भी इंशाल्लाह चलूँगा अगर आप थक गए तो मैं आपसे पहले थका हुआ चलेंगे इंशाल्लाह आओ फिर चलिए ये अच्छे बहने सुनिएगा हाँ मैं गुलाब हो गया हूँ मैं गुलाब हो गया हूँ तेरी नात पढ़ते पढ़ते मैं गुलाब हो गया तेरी नात पढ़ते पढ़ते मजमा मेरे नाल पढ़ रहा ठीक है वो ऐसा पढ़ना मजमे ने ऊँची पढ़ सारी आजकल केस्टों का दौर चला गया। पहले होती थी केस्टें वीडियो बनती थी फिर लोग जाते थे मोबाइल में कार्ड बनवाने जाते थे अब वो दौर ही चला गया। अब दौर आ गया नेट का यूट्यूब पे बंदे लिखते हैं जफर शहजाद और नाते आ जाते हैं उसी में फिर फेवरेट नाते हो जाती हैं बंदे की। ये जो नात है ना ये मैं चौथी जगह पढ़ रहा हूँ आज या मैंने सरगोधा पढ़ी है भेरा में और उसकी वीडियो आज चार पाँच छः दिन में आ जाएगी। फिर मैंने पढ़ी है रात फैसलाबाद में वो भी आ जाएगी तो मैं चाहता हूँ कि चौथी वीडियो बन रही है आज तीसरी आपकी भी आएगी इसी नात की वीडियो। फिर लोग देखते हैं अभी कहाँ के लोग ज़्यादा जौक वाले हैं लेकिन किसी वीडियो में मेरे हाथ में गुलाब नहीं था किसी भी वीडियो में आपके पास ये जो है ये मुख्तलिफ होगा भी गुलाब का फूल मेरे हाथ में। मैं चाहता हूँ इतनी मोहब्बत से सुनिएगा हर बंदा इतनी दीवानों की तरह पढ़े कि आपकी ये जो नात की इसकी जो है ये वीडियो बहुत लोग सुने कि यहाँ के लोग बड़े दीवाने थे सुनेंगे इंशाल्लाह। ये एक वीडियो ये बन रही है एक वीडियो ऊपर से बन रही है इस वीडियो का तो फायदा होता है कि नहीं होता लेकिन जो ऊपर वीडियो बन रही है अगर उसमें आप पास हो गए ना तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन मदीने जाएंगे और मदीने जाके कहेंगे क्या हाथ उठा के मैं गुलाब हो गया मिल जाए मैं क्या कह रहा हूँ मैं अंधेरों के
تصور کریں اللہ آپ کو لے گیا مدینے، آپ مدینے پہنچ گئے، تصور کریں آنکھیں بند کر کے باب السلام کے اندر آپ داخل ہو گئے، نبی پاک کے روزے پہ سلام پڑھ لیا، کہا الصلاۃ والسلام علیک یا، الصلاۃ والسلام علیک یا، ساتھ شیخین کو بھی سلام کر لیا، آنکھیں بند رکھیے گا اور میں جو کہنے چلوں، ایسے جب آنکھیں کھلی سامنے نبی کا روزہ، اور آپ کہہ رہے آقا میں گلاب ہو گیا، ہو میں گلاب ہو گیا، اس تیری نعت پڑھتے پڑھتے، صلی اللہ تیری نعت پڑھتے پڑھتے، سرنا آپ کی طرف دیکھنا نہیں ہے اگر آپ نہ بولو، ٹھیک ہے میں نے ادھر ہی دیکھنا، ایک چانس دے رہا ہوں آپ کو، تیری نعت کا سمندر اتنا جو دل کے اندر، آقا تیری نعت کا سمندر اتنا جو دل کے اندر، پھر کیا ہوا، سیراب ہو گیا، ہو گیا گیا روزہ، اور آپ کہیں آقا میں حقیر ہوں، مجھے ہے پتا ہے یہ معجزہ تیری نعت کا، صدیقی صاحب میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کوئی سننے والا ہو، اللہ کرے کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس کے دل کی میں بات کروں اور تڑپ جائے اور کہے آقا میں حقیر ہوں، مجھے یہ جناب ہو گیا، جو ہو گیا اٹھایا، میں جناب ہو گیا ہوں، میں جناب ہو گیا، جس کو اللہ نے عزت دی ہے نبی کے صدقے وہ کہے میں جناب ہو گیا ہوں، پڑھیے میں جناب ہو گیا ہوں، اب ہاتھ تیری نا، میں کہوں گا تیری نا پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے میں جناب ہو گیا ہوں، بھائی ظفر اقبال صاحب یہ شعر دیکھیے گا، میری 10 سال کی زندگی ایک طرف، 10 سال کا سفر سنا رہا ہوں ایک شعر میں، اور مفتی سعید صاحب لکھتے ہیں 10 سالوں کا سفر کیسے گزرا، ہاں آقا
साहब हो गया हूँ, मैं साहब हो गया हूँ, तेरी नात पढ़ते पढ़ते पढ़ी तेरी नात। परवरदिगार जो मेरे साथ ये जुमला पढ़े, मैं गुलाम हो गया हूँ, उसका चेहरा गुलाब की तरह चमके क़यामत वाले दिन में। मैं गुलाब हो गया, पैसे न देंगे अभी कोई बंदा भी मुझ पे जो अगर पैसे देने चाहे तो मुझे हाथ में देते फेंके ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मजमे की सूरत हाल बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ 15-20 मिनट आप मुझे मोहब्बत से सुने। मैं ये भी नहीं कहता भी आप मेरी खिदमत ना करें, करनी चाहिए जो भी ना कर रहा है, लेकिन ये है कि ये जो इस तरह भी फेंके ना, क्योंकि बंदा यहाँ आके पैसे फेंकने लग जाता है तो तवज्जो हट जाती है। ठीक है, मेरे साथ पढ़िए। मैं गुलाम देखे ना, तू वन्ये जमात ना चिल्ला लावे तबलीगी जमात ते, तू आवे वापस जुम्मे रात को मरकज आवे, तू अगली तेरे जुमा पढ़े मसीह ते महल्ले दी मसीह ते जुमा पढ़े, ते जुमा पढ़ के ना तू बहर निकले ना ते बंदे ते को मिलन। यार माशाल्लाह कमाल है, बड़ा चेहरे ते नूर है, तू वल आखे मैं गुलाब हो गया जो मुझे बताएगा अहमदपुर का मूड क्या है सुनने का, ये मुझे आपका मूड बताएगा कि आप आगे सुनना चाहते कि नहीं सुनना चाहते। और मैं अपने भाई मुफ्ती समीउर रहमान साहब से मादत के साथ ये शेर सुनाऊंगा, क्योंकि शेर के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि शायर ने लिखा है। देखिएगा, मैं पूरे मजमे के सामने कह रहा हूँ, ये शेर बताएगा आप किस मूड में बैठे हैं। आपका अपना नसीब, मेरा अपना नसीब, लेकिन जो बात कर रहा हूँ उलमा के सामने कर रहा हूँ, गलत हो मुझे मुझसे माइक ले सकते हैं, अगर बात सही करूँ बोलिएगा। अस्हाब पर सवाली देखी जो नस्ल काली, अस्हाब पर सवाली देखी जो नस्ल काली, मैं जवाब हो गया। सहाबा का सिपाही है जिसका सहाबा के बगैर गुजारा नहीं, बोले मैं जवाब हो गया हूँ तेरी रात पढ़ते पढ़ते सल्ला तेरी रात। हाय हाय क्या बात है, अल्लाह खुश रखे आपको। अस्हाब की नात पढ़ते पढ़ते